हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो हमने कल अपना चैप्टर वन कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया था कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें पहले हम गो थ्रू हो जाते हैं पहले कि हमने कल क्या क्या किया था। कल हमने क्या किया था, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एक कंप्यूटर एक कैलकुलेटर होता है, उसकी हमने डेफिनेशन की थी, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वीकेंसी, हमने उसकी क्या किए थे, एडवांटेजेस किए थे, ओके, जो क्या क्या थे, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, रिडक्शन इन मैन पावर एंड रिडक्शन इन पेपर वर्क। ये हमने इसकी क्या की थी, करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस। आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, इट्स रियली हेल्पफुल जब आप एग्जाम देते हो, आप जब अपना पेपर देते हो, आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। सो आप फर्स्ट क्या करो, इस तरीके से एक चार्ट की फॉर्म में दो क्या ये एडवांटेजेस होते हैं, देन उसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करो। हमने उनके लिमिटेशंस की थी, टू लिमिटेशंस, लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक एंड डिपेंडेंस ऑन पावर, राइट। देन हमने उसके एप्लीकेशंस, यूजेस और नीड्स किए थे कि किस किस जगह पे इसकी नीड है, यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड आर एप्लीकेशन, विच इज क्या कहते हैं, मिलिट्री, बैंक्स, रिसर्च, एजुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, एडुटेनमेंट इज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एनिमेशन एंड फिल्म्स, कमर्शियल यूज, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट सेक्टर, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम्स एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, पब्लिशिंग, कंप्यूटर्स इन आर डेली लाइफ, ओके। सो आज हम क्या करेंगे, हम रीड करेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस पॉइंट्स में डिवाइड होता है, राइट। हमारा कंप्यूटर सिस्टम टू दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बना होता है, इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स मेनली, ओके। इट्स मेड अप ऑफ टू थिंग्स, विच इज योर हार्डवेयर एंड योर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, राइट। सो हमारा हार्डवेयर आपको पता है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज अ मशीन, राइट। सो एज गिवन इन योर बुक, क्या हार्डवेयर, हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि आपके जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है, लाइक मशीन्स हैं, ओके। इट इंक्लूड्स ऑल इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। मीन्स आपके इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो। प्रोसेसिंग डिवाइसेस सीपीयू, इनपुट कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड, आउटपुट आपका क्या हो गया, मॉनिटर, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गए आपके, लाइक एसडी कार्ड्स, ओके, आपकी क्या होगी, पेन ड्राइव हो गई, सीडीज होगी, इट्स लाइक जस्ट दैट, ओके। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आईसीएस, इंटीग्रेटेड सर्किटरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। मीन्स जो आपका सीपीयू होता है, उसी में ये आपका क्या है, पार्ट है, ओके। नाउ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से तो हम अवेयर है, नाउ वट इज सॉफ्टवेयर, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, बिकॉज आपने इंडेक्स देखा होगा, मैंने आपको आपके लास्ट वीडियो में आपका इंडेक्स शो किया था, आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्किंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर के ही हैं। अगर आप सिंपली सॉफ्टवेयर समझ भी रहे हैं तो प्लीज टॉपिक पे ध्यान दीजिए, आपका थर्ड चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। सो आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओके। सो जो आपके सॉफ्टवेयर होता है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स जो एप्स को हैंडल करे, लाइक आपके एप्स होती है अलग अलग, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्विगी, जोमैटो, ये सब एप्स को हैंडल करे, वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो मेरे सिस्टम को हैंडल करता है, ओके, विच हैंडल्स द एप्स इज माई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर विच handles my system. Without system software, we cannot operate our system. Means our cell phones or our laptops,
these computers, we just can't access them. It's just like operating system, iska ek example hai. Aapne dekhe two chapters hai aapke operating system ke. Examples aapke kya ho sakte hain? Unix, Windows, cell phones mein aapka Android hota hai. Android ke aapke versions hote hain, right? Ye aapke kya hai? Software. So, just read it from the book. Software is a set of programs which controls the internal information of a computer and instructs a computer what to do. Means ye set of programs hota hai. Means aap programming seekhne wale hai 9th mein. Tab aapko samajh mein aayega ki ek jab hum 5-10 bahut sare programs ko ek sath combine karte hain to usko hum software kehte hain. Okay? Unhe hum kya bolte hain? Hamare softwares. And जो हमारे क्या होते हैं computer and instructions means जो हमारे computer को instructions provide कराता है उसके internal operations पे ध्यान रखता है वो मेरा क्या होता है software होता है okay it's just like Unix हो गया MS Word हो गया MS Word मेरा application software Unix मेरा system software right my operating system is of two types system and application software so here is OS my system software OS means operating system is the most important just underline it means or write it in your notebooks okay operating system is the most important software on the computer every general purpose computer needs an OS to run applications and programs means agar aapke paas OS nahi hai aapke paas operating system nahi hai then you just can't operate your system okay The OS performs basic tasks like understanding input from the keyboard, sending output to the your screen like monitor. ये हर तरीके के instructions को क्या करता है? Handle करता है. Okay? ये आपका GUI based हो सकता है, ये आपका textual based हो सकता है. It just completely depends. Okay? Like आपके Windows के बहुत सारे versions होते हैं. Now Windows 10 completely GUI based. Okay? Now Our next topic is functions of a computer. Means, जो मेरा computer है वो कौन-कौन से functions perform करता है? Here is my functions. First is input. Second is processing. Third one is storage. Then fourth is output. Means, like this. This structure. Means, मेरे इसने क्या किया? Keyboard से तो उसको क्या लिया? Out input ले लिया. Okay, मेरे system ने. Then वो क्या हो रहा है? CPU में जाके process हो रहा है. ओके प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं डाटा सेव करते हैं फिर मेरा सीपीयू में डाटा सेव होता है देन मुझे क्या मिलता है आउटपुट मेरी मॉनिटर स्क्रीन पर ठीक है मेरे मॉनिटर स्क्रीन पर मुझे क्या मिलता है मेरा आउटपुट मिलता है इट्स माय फंक्शंस इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट मींस एक्सेप्टिंग डाटा गिवन बाय द यूजर प्रोसेसिंग द डाटा सेविंग द डाटा गिवन द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग द यूजर्स रिक्वायरमेंट So, is my input. A computer accepts input given by the user. It can be the form of instructions or a data or instruction commands are given to the computer to operate on data. Simply, aapko pata hai computer ko input dene ke liye. The set of instructions is called a program. Just write it. The set of instructions is called a program. What is program? One mark question. What is program? Processing, the process of converting unorganized data into meaningful information according to the user's instruction is called processing. Means, kya kya kar rahe ho unorganized data ko organized meaningful way mein, aap kya karte ho output dete ho, wahi mera kya hai processing hota hai. Storage karna, means aap usko kya kar rahe ho memory mein save kar rahe ho. And output is your just output device. Now, in notebook, See, it's a given a table, right? What a running car on a road. Situations di hai. Calling a person. Withdrawing money. So, input kya hogi? Diesel se car chalta hai. Diesel nahi hai, to car kaise chalega? Engine usko process karta hai. Aur road pe meri car chalte hai. To meri kya hai? Output. Storage jo hota hai, wo tank mein mera store karta hai diesel ko, right? Then, simply the three main functions kya hota hai? Input, processing, output. Storage ho jata hai. Calling, आप जब तक phone number dial नहीं करोगे, होगा नहीं, connection establish होगा, then you can communicate. आप क्या करते हो? ATM से machine, जो हमारी ATM machine होते हैं, वहां से पैसे निकालने, तो ATM machine में जब तक card नहीं डालेंगे,
तब तक मेरे पैसे नहीं निकल सकते, देन मशीन प्रोसेस करते है, क्वेश्चंस पूछती है, देन यू इन आउटपुट यू कलेक्ट योर मनी, राइट? सो हमने फंक्शंस किए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, सो अभी मैं ये जो आपके बुक में ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम दिया है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. आपको ये आपकी नोटबुक्स में बनाना है. मैं भी आपको यही डायग्राम और ये टेबल, ये भी आपको आपकी नोटबुक में बनानी है. इस टेबल और डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये कंप्लीट वर्क कैसे करता है. ओके क्लास, सो आप भी इसे अपनी नोटबुक में बनाएंगे. सो सी हियर इज द स्ट्रक्चर. थोड़ा ये रफ स्ट्रक्चर आप अच्छे से फेयर बनाएंगे. सो मैं आपको एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स आपके, मैंने अभी भी आपको फंक्शन से बताया, आपके मेन थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. इट्स योर इनपुट, आउटपुट एंड योर प्रोसेसिंग, राइट? इट्स योर थ्री मेन पार्ट्स. क्या आप क्या करते हो? प्रोसेस करते हो, इनपुट देते हो, आउटपुट लेते हो, राइट? ये आपकी थ्री पार्ट्स है. तो यहाँ पे भी यही है, मेरा प्रोसेसिंग क्या है? सीपीयू, माय इनपुट एंड माय आउटपुट. ओके, थ्रू इनपुट डिवाइस से माय कीबोर्ड. ओके, ये क्या कर रहा है? इनपुट दे रहा है. ये मेरा क्या है? इंस्ट्रक्शंस है. डॉटेड लाइन मेरा फ्लो ऑफ डाटा है कि मेरे कीबोर्ड ने मेरे सीपीयू को क्या दिया? डाटा दिया. सीपीयू के अंदर अब फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं. ओके क्लास, सी CPU further three parts में divided होता है. हमारा central processing unit, which one is U, CU, which is control unit. Okay, my CU, control unit. Then ALU, okay. ALU means arithmetic and logical operations. Okay. Arithmetic and logical operations. It's my ALU. Then my third and last one is MU, which is my memory unit. So, क्या काम होता है? जब भी मेरे CPU के पास कुछ instructions आते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? CU में, my control unit means. जो सबसे पहले क्या होगा, जो भी मेरा डाटा है वो सीयू में जाएगा. ओके, मेरा आउटपुट का जो भी डाटा है वो मेरा कहाँ जाएगा? सीयू में, कंट्रोल यूनिट में. ओके, क्योंकि सारे डिसीजंस कौन लेगा? सीयू. क्योंकि सीयू ये चेक करेगा कि जो मेरे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, वो लाइक कोई वर्बल डाटा, लाइक हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, कुछ टेक्सुअल डाटा है, देन वो एमयू को वो क्या करेगा? डाटा ट्रांसफर कर देगा. अगर वो कोई कैलकुलेशन है, ओके, सपोज 2+4 कोई कैलकुलेटिव पोर्शन है, देन वो एएलयू को दे देगा. एंड ये सब क्या करेंगे? कैलकुलेट करके, चेक करके सीयू को रिटर्न करते हैं. देन सीयू उसको स्टोरेज में, अगर हम कमांड देंगे तो वो स्टोरेज में सेव करने के लिए दे देगा. ओके, इट्स जस्ट इन अ सिंपल प्रोसेस के इनपुट से सीयू में गया, उसने चेक किया कि वो कैलकुलेशन पोर्शन है या फिर मेरे सिंपल वर्बल वर्ड्स. सो वो ALU को दे या MU को, देन रिटर्न में जो भी आता है उसको वो फिर अगर क्या मिलता है मेरे को, आउटपुट देते हैं. अगर आउटपुट से ही मेरे पास मींस कमांड आ रही है इनपुट से सेव करने की, देन वो क्या करेगा? स्टोर कर देगा एंड आपको आउटपुट में सेव्ड का मैसेज शो कर देगा. ओके, सो एज यू कैन सी हियर इन योर बुक कंप्यूटर, ठीक है, ये सीरीज बनाई है यहाँ पे. देन आपके कंपोनेंट्स हैं इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट. सीपीयू के थ्री पोर्शंस, एमयू, एएलयू, सीयू. सो इनपुट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड. ओके, ह्यूमन बीइंग इनपुट इज रिसीव्ड थ्रू आईज, नोज, ईयर्स. एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक हम आंखों से देखते हैं इस तरीके से. सो आउटपुट इज, After processing, the output is displayed on the monitor screen. It's just like आप इस portion को skip कर सकते हैं. You can skip this portion. Okay? You can simply आप इतना table create करेंगे जिसमें आपका क्या होगा, computer components and computer किस तरीके से work कर रहा है वो लिखा होगा. Now what is ALU? ALU का क्या work है? Data and instructions are stored in memory storage devices.
ALU is for to perform data, means calculative, वो हमारा अगर calculations करने हैं, calculative data है, उसको perform करने के लिए ALU use होता है. और जो मेरा CU है, control unit, CU controls the functions of all the components, means functioning means how to work. Functioning means how they work, means वो काम कैसे करेंगे. ओके एज एन अ बॉस के भाई हाँ एलयू पे, एएलयू पे जाएगा, एमयू पे जाएगा, इस तरीके से. ओके इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. ये आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपका. सो जस्ट रीड इट केयरफुली. ओके सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, सो हमने अब तक क्या क्या कर लिया है क्लास, सिस्टम functions and organization, input, CPU and output. Okay, here is your two portion, it's your diagram and it's your table. Okay, now our next topic is जो हमारा अच्छे से explain कर रहा है CPU and its components, जो मैं आपको explain कर चुकी हूँ, MU, ALU and CU. Now next is memory unit. Okay, हमारे में सब first topic अब read कर रहे हैं हमारा memory unit का. यहाँ पे हमारा था ना मेमोरी यूनिट. अब ये तो हमने सिंपली देखा कि वो स्टोर करता है, अब उसको हम फर्दर डिटेल में अब रीड करेंगे. सो मेरा फर्स्ट है मेमोरी यूनिट. सो एज वी नो हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी होता है. एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स माई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज. ओके सो जो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है वो टू पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, रैम और रोम में. ओके हमारे ये टू पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं, रैम एंड रोम में. एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी, यूजुअली रिफर्ड एज अ मेन मेमोरी, एंड दिस इज कॉल्ड आर इंटरनल मेमोरी और अ प्राइमरी मेमोरी. जस्ट फॉर डिफरेंस क्वेश्चंस, अंडरलाइन और राइट डाउन इट इन योर नोटबुक्स, व्हाट इज इंटरनल और अ प्राइमरी मेमोरी और अदर नेम ऑफ योर इंटरनल मेमोरी. इट्स टू टाइप्स, रैम एंड रोम. Okay, now we will discuss in detail what is RAM, its types, what is ROM and its types. Okay, so what is RAM? Here is in a figure given to you कि हमारा RAM क्या होते हैं, हमारी जो RAM चिप किस तरीके से होती है, जो हमारी ROM चिप होती है CPU के अंदर वो किस तरीके से होती है. अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, आपके सामने आपका कोई लैपटॉप या फिर सिस्टम ठीक हुआ हो उस केस में. सो व्हाट इज RAM? RAM का फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ROM इज रीड ओनली मेमोरी. ओके सो एज वी नो कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारा वो क्या होता है, RAM में होता है डाटा. ठीक है, मीन्स करंटली वी आर वर्किंग, इट्स मीन्स कि हमारे रैम में डाटा चल रहा है. ओके जैसे आप फोन में जब भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, यू आर करंट एप्लीकेशन, लाइक आप कुछ अपना करंट एप्लीकेशन के लिए आप बैक दबाते हो, आपकी जितनी भी ओपन एप्स होती हैं, आपको रिसेंट एप्स, ओपन एप्स आपको दिखाई देती हैं, एंड नीचे आपको एक सर्कल होता है जिसमें आपके MBs या GBs में लिखा होता है, या KBs या MBs में लिखा होता है कि आपकी रैम में इतना डाटा है, मीन्स आपने इतनी एप्लीकेशंस चला ली हैं आपकी रैम. अगर आपकी रैम अच्छी है, हमेशा रैम देखते हैं 64GB, 2GB में, 64GB आपकी मेमोरी होगी, 1GB, 2GB, 3GB, 4GB, हमें इस तरीके से बढ़िया रैम चाहिए होती है कि हमारे बैक स्पेस में ना बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हो, डजंट मैटर, लेकिन हमारा काम अच्छे से चलना चाहिए. राइट सो उस चीज के लिए. नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी दैट कैन एक्सेस रैंडमली, मीन्स हम उसको रैंडमली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. वट एवर इन्फॉर्मेशन बी एंटर्ड इन टू अ कंप्यूटर गोज इन टू रैम एंड रिमेन्स एज देयर एज लॉन्ग वी आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन. एज आई टोल्ड यू कि जब तक हम एप्लीकेशन में काम करते हैं, मीन्स बैकग्राउंड में वो ऐप रन हो रही है, अगर हम उसको विंडो को क्लोज कर देते हैं लैपटॉप में, या फिर हम रनिंग ऐप में से क्या करते हैं अपनी ऐप को हटा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी रैम में से वो हट जाती है. इट इज वॉयलेटेड मेमोरी, अंडरलाइन दिस. ओके मीन्स ये वॉयलेटेड मेमोरी होती है आपकी, क्या होती है, जैसे अगर आपने इसको सेव नहीं किया, या फिर आप काम कर रहे हो, लाइट चली गई. आजकल के तो आपके जो OS होते हैं वो इतने अपडेटेड हैं
कि एकदम से आपका सिस्टम शट डाउन हो चुका है या आपका फोन ऑफ हो गया है, तो आपको वो सेव्ड मिलता है, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है. बट जो हमारे पहले सिस्टम्स होते थे वो डाटा हमारा लॉस हो जाता था अगर हम उसको सेव नहीं करते. ओके, एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर टेम्पररी ड्यूरिंग इस प्रोसेस ओनली एंड लॉस्ट फॉर एवर वैन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. अगर हम उसको सेव नहीं करते तो वो स्विच ऑफ हो, हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए. अ ब्लैक बोर्ड इज लाइक रैम दैट इज कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद अ न्यू डाटा एंड द कॉमनली यूज कैलकुलेटर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रैम. मीन्स जब तक हमारा कैलकुलेटर में काम चलता है हमें दिखता रहता है. इज जस्ट लाइक दैट, हमारा कैलकुलेटर कभी भी डाटा सेव नहीं करता. हमेशा ध्यान रखिए, मेरे कैलकुलेटर में कभी भी डाटा सेव नहीं होता जो हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं, राइट. उसके अंदर हम डाटा अपना यूज करते जा रहे कैलकुलेशंस करते हैं, हमें स्क्रीन पे शो होता रहता है. जस्ट दैट. नाउ आवर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रैम. ओके क्लास, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ शेयर किया हुआ है. सो मैं आपको भी बुक में से ही रीड करा रही हूँ एंड आपको बता रही हूँ कि आपको नोटबुक में क्या लिखना है. जल्दी आपको फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट मिलेगा. सो आप ध्यान से साथ के साथ पढ़ते रहेंगे. टाइप्स ऑफ रैम, फर्स्ट इज डी रैम, सेकेंड इज एस रैम, थर्ड इज एस जी रैम, देन थर्ड इज डी डी आर. नाउ वट इज डी आर रैम? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमरी. एस इज स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमरी, देन इज सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमरी, देन डबल डाटा रेट मेमरी. सो वट इज डायनेमिक एंड स्टेटिक? आपको पता होना चाहिए कि वट इज डायनेमिक एंड वट इज स्टेटिक. मीन्स आपका आपको पता होना चाहिए आपका डायनेमिक वर्ड से क्या मतलब होता है एंड स्टेटिक से. डायनेमिक मीन्स मूविंग, चेंज होना, एंड स्टेटिक मीन्स एक तरीके से स्टैटिक रहना, एक ही चीज का रहना. सो व्हाट इज डायनेमिक? इट स्टोर्स डाटा टेम्परेरली एज द डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ सस्पेंडेड. इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली इन ऑर्डर टू रिटेन डाटा. इट मेक्स स्लोअर देन SRAM. मीन्स डायनेमिक क्या होता है? वो बहुत स्लो होता है. जैसे ही हमारा क्या होता है, टेम्परेरली डाटा स्टोर होता है क्योंकि वो बफर में होता है ना, उसको हमें कंप्लीट सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना पड़ता है. ओके, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी मेरा डाटा लॉस हो जाएगा और मुझे उसको दोबारा दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है अपने न्यू डाटा के लिए. मींस एज यू कैन सी HTML एग्जांपल, सिंपली कि हम HTML में वर्क करते हैं, राइट. हम अपना नोटपैड में अपना जो भी अपडेट करते हैं, ब्राउजर पे जाके मुझे उसको दोबारा क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी मुझे क्या मिलती है, मेरी आउटपुट मिलती है, राइट. नाउ व्हाट इज एस रैंडम एक्सेस मेमोरी? इट इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव. नाउ इट्स टू डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम. एस रैम इज फास्टर देन डी रैम एंड एस रैम इज क्वाइट एक्सपेंसिव देन डी रैम. ओके, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड. थर्ड, डी रैम इज नीड टू बी रिफ्रेश्ड एंड एस रैम जस्ट रियली डू नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड. लाइक डी रैम टू रिटेन इन्फॉर्मेशन इट लूजेस डाटा वैन पावर इज टर्न ऑफ. इट्स सिमिलैरिटी कि दोनों के दोनों में डाटा लॉस होता है जब भी हमारा पावर सप्लाई क्या होता है, ऑफ होता है. नाउ एच डी रैम डी डी आर रैम, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमरी. सिंक्रोनाइज, इट्स सिंक्रोनाइज. ओके, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमरी. इट यूजेज अ सिंक्रोनस इंटरफेस टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट हाई स्पीड. दिस इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर डाटा इट डिलीवर्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन. मीन्स जो हमारा एच डी रैम होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कहीं पे भी मूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है. जल्दी मीन्स क्विक एक्सेस होता है, बहुत फास्ट होता है, हमारे अच्छे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कहीं पे भी मूव कर देता है. वाओ, व्हाट इज डी डी रैम? इट इज अ मेजरली यूज इन इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम. अंडरलाइन इट्स इंटेल 4 पेंटियम सिस्टम. 1 mark क्वेश्चन. इट रिक्वायर्स less power and has a speed which is double than that of SD RAM. Means इसकी speed double होती है SD RAM से. High speed RAM is like DDR2, DDR3, DDR4 are used with the faster processors like i3, i5 and i7 as your laptops. i3, i5, i7, right? वो faster आते रहते हैं. It's your DDR, DDR2, DDR4. Just underline this thing here. High speed, faster, doubler than SD RAM. Its complete paragraph is important. ये आपके 1 mark question से भरा हुआ है.
ओके. सो हियर इज माई रैम, कि हमारा एक करंट एप्लीकेशंस भी ऑन होता है, टाइप्स होते हैं, डाटा रिफ्रेश करने की नीड होती है डी रैम में, एस रैम में नीड नहीं होती. एस डी रैम फास्ट होती है, उससे भी फास्टर क्या होता है डीडी रैम. अगर हम स्पीड के मामले में चले सो इट्स जस्ट लाइक इंक्रीजिंग, ये सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, लाइक डी रैम का कम है देन एस रैम का ज्यादा है, देन डी रैम का एस डी रैम का ज्यादा है, देन डीडीआर का ज्यादा है. ओके, इट्स जस्ट लाइक सीक्वेंस में इस तरीके से रन हो रहा है. नाउ रोम, वी रीड अबाउट रोम. अब ये रोम हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड. ऑब्वियसली रीड ओनली मेमोरी, इसके नेम से ही पता चल रहा है, जिसमें से हम मेमोरी को सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीडेड, वेयर एज इन अ रैम इंफॉर्मेशन कैन रीड फ्रॉम एंड ऑल्सो रिटर्न टू. मीन्स रैम में हम करंटली वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग कैन बी रिटर्न फॉर्म और इन अ रीडिंग फॉर्म, राइट. बट रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को. लाइक जब हम आजकल जो हमारे एमएस ऑफिसेज हैं वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है टू जस्ट रीडिंग, ठीक है ना. अगर हमें एडिटिंग करनी होती है तो हमें अनेबल बटन पे क्लिक करना होता है सो दैट हम एडिट कर सकते हैं, अनलेस वो सिर्फ रीडिंग फॉर्म में होता है. इट इज अ नॉन वॉयलेटेड मेमोरी एज इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. यहां पे ये मेरी वॉयलेटेड थी, मैंने अंडरलाइन कराया था, इट्स नॉन वॉयलेटेड इन्फॉर्मेशन. डाटा स्टोर्स इन रोम कैन बी नाइदर बी मॉडिफाइड नॉट बी रिमूव्ड. ये ना तो सेव हो, मतलब मॉडिफाई चेंज नहीं हो सकता, ना ही रिमूव हो सकता है. अंडरलाइन, ना डिलीट होगा और ना ही चेंज होगा. द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, इट स्टोर्स बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम. मीन्स बूटिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, मीन्स जब भी आपकी बफरिंग हो रही है, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कम्प्लीट योर बूटिंग प्रोसेस सिंपलर फॉर्म में अभी. ओके, नाउ दिस इज एन इनिशियल प्रोग्राम यूज टू स्टार्ट कंप्यूटर व्हेन प्रोग्राम इज टर्न्ड ऑन. जब आपका प्रोग्राम ऑन होता है ये आपकी स्टार्टिंग प्रोसेस होती है. ओके, एंड ऑडियो वीडियो डिस्क रिजेंबल्स अ रोम. वंस द सॉन्ग्स आर बर्न्ड ऑन अ सीडी द डिस्क कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड. मीन्स अगर आपका जो सॉन्ग है, अगर एक बार जैसे सीडी में अगर हम कर देते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकता. ओके, आप सीडी यूज करते हो उस तरीके से ही. नाउ टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ई पी रोम, ईई पी रोम, फ्लैश मेमोरी एंड मास्क रोम. ओके, व्हाट इज पी रोम, इट्स प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी. द कंटेंट्स कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज पी रोम, इट इज ऑल्सो कोल्ड ओ टी पी, वन टाइम प्रोग्रामेबल. मीन्स आपका क्या होता है, विच मीन्स इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एट अ टाइम ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर. पी रोम प्रोवाइड अ फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच. अंडरलाइन दिस. ओके, मीन्स ये मेरी फास्टर अप्रोच होती है. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे आपका ओटीपी आता है ना वन टाइम पासवर्ड, वैसे ही आपका वन टाइम प्रोग्रामिंग. एक बार प्रोग्राम हो गया ना तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. ईपी इरेजेबल, इरेजेबल मीन्स हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं रबड़ की तरह. एग्जाम्पल था इरेजर का, इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड रिपीटेटिवली रैपिडली. मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर. ओके, द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द चिप कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट अल्ट्रा वायलेट रेज. इट्स योर आंसर, कि अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी प्रोग्राम को इरेज करके उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं. इट्स योर ई रोम. ओके, दिस प्रोसीजर्स कैन बी कैरिड आउट मैनी टाइम्स, however it contains erasing and rewriting will eventually render the chip. It is not possible to retain the selective data from ROM. means ये आपकी चिप को जो क्या कर देता है, यूजलेस बना देता है. obviously हम क्या कर रहे हैं बार बार, अगर एक पेपर पे सपोज हम क्या लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, रब कर रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, रब कर रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, रब कर रहे हैं, मेरे उस पेज को क्या कर देगा, यूजलेस सा बना देगा ना वो. उस पे फिर उसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं वो रफ बना देता है, बहुत लुकिंग इज लाइक
सो बैड. सो ये मेरी चिप को क्या बनाता है, यूजलेस बना देता है. जब हम अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से रैपिडली उसको इरेज करके लिख रहे हैं, इरेज करके लिख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी. द कंटेंट्स ऑफ द चिप कैन बी इरेज एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ वन बाइट एट अ टाइम. मीन्स आपके प्रोग्राम होते हैं वो ब्लॉक्स में, लाइक आपका प्रोग्राम है, सपोज ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा, वन ब्लॉक, टू ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर ब्लॉक, और उसको एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्लॉक में, इंस्टेड ऑफ वन बाइट एट अ टाइम, इट हैज द प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिव रिमूवल, विच मीन्स वी कैन इरेज द पर्टिकुलर डाटा बाइट बाय बाइट इंस्टेड ऑफ इरेजिंग इट कंप्लीटली. मीन्स एज ईपी रोम में क्या था, हमें सारा का सारा रिमूव करना पड़ेगा, राइट. बट ईपी रोम में लाइक मुझे सिर्फ इस पोर्शन को, लाइक विच मीन्स को चेंज करना है, तो मैं इस विच मीन्स को चेंज कर सकती हूँ, इसको ब्लॉक बनाऊंगी एंड एक एक बाइट, वन करेक्टर इज इक्वल्स टू वन बाइट, राइट इट, वन करेक्टर इक्वल्स टू वन बाइट, एक एक बाइट करके इसको क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, नाउ फ्लैश, इट इज स्पेसिफिकली टाइप ऑफ ईपी रोम which maintains the storage information even without a power source. It's just like your pen drive. Pen drives ko hum aapki flash drives bhi bolte hain. Okay, the content can be erased and reprogrammed into a big section and making it faster than the regular EEPROM. Ye bahut fast hoti hai aapki EEPROM se bhi. Now masked ROM. It is a memory that manufactured with its contents. Chip contains a software mask that burned on the chip during a design phase and semiconductor manufacturing process. It is used in a computer system that requires longer than sustainability. Means ये एक तरीके का मार्क्स होता है, इसके साथ आपका प्रोग्राम दिया जाता है जिसको आप दोबारा दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हो सिंपली. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. आज हमने क्या करा है, रैम रोम इंटरनल मेमोरी में किया है. नाउ हमारा थर्ड टॉपिक कैश मेमोरी रह चुका है. इस कैश मेमोरी को हम कॉल कवर अप करेंगे. ओके, हम जल्दी सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने आज कंप्लीट किया है, आज हमने रीड किया है. ओके, सो आज हमने रीड किया है कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज माय कंप्लीट मशीन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड करती है. सॉफ्टवेयर मेरा लाइक एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओएस के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि मेरे सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है. देन हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी, मीन्स माय इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज. ये मेरे चार फंक्शंस होते हैं, लाइक वो पहले इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, देन उसको फिर वो सेव करेगा, राइट. देन मेरे हमने करा था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच इज इनपुट सीपीयू एंड आउटपुट, जिसके लिए मैंने क्या किया है, टेबल एंड ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो इट्स इंपॉर्टेंट. Now here you can see जो हमारे CPU के अंदर हम जो भी डाटा रखते हैं is the speed of a CPU, right? Just underline this. The speed of a CPU determined by the number of instruction it executes per second. Means like अब कितनी commands ये एक second के अंदर run कर सकता है, ये उसकी speed होती है, which is measured in megahertz. MHz में ये क्या होती है, measure होती है. Okay? So अब हम साथ में क्या करेंगे, थोड़े साइट के कंटेंट्स भी पढ़ते हैं. ओके, सो जो हमें दिया हुआ है वर्ड्स, इंटेल इज द वर्ल्ड लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. लाइक ये हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, डाटा जो हम आप प्रोवाइड कराते हैं. ओके, इंफॉर्मेशन जो मुझे आउटपुट के थ्रू मिलती है, अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स इनपुट. ओके, एंड इट रिफर्स टू द मीनिंगफुल प्रोसेस डाटा विच इज माई आउटपुट. ओके, नाउ हियर इज अ मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमान प्रपोज द ALU कॉन्सेप्ट इन 1945. वन मार्क क्वेश्चन, वेन ALU कॉन्सेप्ट इज प्रपोज एंड बाय हुम. 1945 बाय जॉन वॉन न्यूमान mathematician, when he wrote the foundation report for a new computer called EDVAC. Okay, now hamara next humne memory unit read kiya tha, which is internal and external. Internal mein humne RAM and ROM kiya hai. So
यहाँ पे हम थोड़े इसके भी हम नो मोर फैक्ट्स में पढ़ते हैं. रोम स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक्सपेंड BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. वंस द कंप्यूटर इज ऑन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज यूज टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, a motherboard is a main circuit board of a microcomputer that holds many of the circular components. आपका motherboard खराब है, आपका system खराब हो चुका है, आपको हमेशा motherboard change करवाने की need पड़ती है. जो भी आपका system खराब होता है, motherboard is really really important. It provides connectors to other peripherals. It contains the processor chips, memory chips, external storage controllers. Means हर type का control आपके पास जो होता है वो मदरबोर्ड के पास होता है. सो मदरबोर्ड इज रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आपका मदरबोर्ड खराब तो सब खराब. सो हमने रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा है. ओके सो कल हम क्या करेंगे, कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.